ये गाड़ी को यहाँ से डेंट आ चुका है। इतना कुछ भैया ने हमें यहाँ पे फ्री दिया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम जो हैं शोएब भाई के पास जा रहे हैं, जिन्होंने अपने वुल्फ को जो है नए टायर लगवाने हैं। तो अब मैं जो है आपको डायरेक्ट जो है शोएब भाई के पास जाके ही मिलता हूँ। हेलो गाइस, तो अब देखिए हम शोएब भाई के पास पहुँच चुके हैं। मैं डायरेक्ट शोएब भाई के घर में आ गया था। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब देखते हैं, शोएब भाई बोल रहे हैं कि नरवाल जाके टायर लगवाते हैं, कि जो टायर हैं वो गंजे हैं, तो इनमें बिल्कुल जान तो रही नहीं है कि ग्रिप तो अब इनमें है ही नहीं। तो शोएब भाई बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, पहले थोड़ा बर्नआउट मार देते हैं, जब बर्नआउट बच जाएगा तो उसके बाद टायर चेंज भी करवा देंगे, क्योंकि अब करवाने तो हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बर्नआउट में टायर उधर ही फट जाए और टायर जो है वो घर तक भी नहीं, गाड़ी बाइक जो है वो दुकान तक भी ना पहुँचे। तो अगर ऐसा ना हुआ तो फिर शोएब भाई के साथ मौजू हो जाएगा। हमारे ग्रुप में जो सबसे सेफ राइडर हैं वो शोएब भाई हैं। भाई की जो हाई बीम का प्रोजेक्टर है वो भी ख़राब हो गया, तो हम अब यहाँ से निकल चुके हैं फुल पावर। अब पहले हम सिदरा जा रहे हैं, तो सिदरा में हम थोड़ा पहले बर्न आउट मारेंगे और इस बाइक के जो पैर हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं हमारा क्या प्लान रहता है। इसको टायर तो अब आज हमने लगवाने ही लगवाने हैं, बाकी देखते हैं। अगर नहीं लगे तो फिर, या मिले नहीं अगर जो हमारी पसंद के टायर हैं तो फिर नहीं लगवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल कोशिश रहेगी आज इसको टायर लगवा ही दिए जाएँ। तो गाइस अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो गाइस शोएब भाई अब यहाँ पे देखिए बर्न आउट मार रहे हैं। तो गाइज अब बाइक ने यहाँ पे पूरा धुआं ही धुआं कर दिया। तो गाइज अब हम बर्न आउट मार के यहाँ से निकल चुके हैं। तो शोएब भाई ने काफ़ी अच्छा बर्न आउट मारा, टायरों की तो बुरी हालत कर दी शोएब भाई ने। तो अब शोएब भाई जो है इसको जो है नए टायर लगवाएंगे। हाँ, मिशलिन का भी टायर सबसे तगड़ा होता है। तो गाइज अब मिशलिन वालों के पास जा रहे हैं। तो पीस है ना? हाँ, तो शोएब भाई अपनी बाइक में जो है ये वाले टायर डलवाने वाले हैं अब। तो उसके बाद शोएब भाई को पकड़ना मुझे लगता है मुश्किल नामुमकिन होगा लेन पे, क्योंकि इन टायर का आप विड्थ देखिए काफ़ी मोटी विड्थ है, तो जिसमें इनको कॉर्नरिंग करने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है। हाँ, टेढ़ी कर बाइक। तो शोएब भाई जो है थोड़ी बाइक को टेढ़ा करेंगे, क्योंकि टायर जो है ये थोड़ा मोटा है तो ईजिली फिट नहीं हो रहा। शोएब भाई जो हैं अपनी बाइक की राइड मार टेस्ट राइड लेने गए थे, क्योंकि उन्होंने नए टायर डाले हैं तो ये टायर कुछ ऐसे थोड़ा एक साइड को भारी से लग रहे हैं। तो अब शोएब भाई से पूछते हैं क्या शोएब हार्ड है थोड़ी, बस मतलब मुझे लग रहा है या तो नया टायर है, पहले गंजा था ना। हाँ हाँ, गंजे में बिल्कुल ऐसे ही चल रही थी वो। हाँ हाँ हाँ, ग्रिप बना के चल रही है। हाँ, मुझे भी थोड़ा चला के देख। हाँ, लीन करने में मजा आ रहा है। आ रहा मजा, ठीक है फिर, ठीक है फिर। तो शोएब भाई ने राइड ले ली है, तो अब इनको काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो अब देखते हैं आगे। तो गाइज अब जो है शोएब भाई ने टायर भी डलवा दिए हैं, तो पूरा हम कम से कम दो घंटे यहाँ पे खज्जल होना पड़ा है। तो इनकी बाइक में थोड़ी हवा का भी इशू आ गया था, तो उन्होंने हवा भी अब ठीक कर दी है। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अब शोएब भाई ने हाई बीम का प्रोजेक्टर लेना है, तो अब हम हाई बीम का प्रोजेक्टर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मिलते हैं गाइज आपसे। यहाँ पर ये गाड़ी देखिए आप, ठुक चुकी है। तो ये ट्रक बेचारे, ट्रक काफ़ी ऊँचा है, तो यहाँ पर देखिए गाड़ी का जो है ये टेढ़ा बैंड मार रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये गाड़ी को यहाँ से ये डेंट आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो यार गाड़ी वाले की भी गलती है, गाड़ी वाले की गलती है, गाड़ी वाला देखना कहाँ टेढ़ा कट काट रहा है। तो अब हम इन भैया के पास आए हैं, जो कि ये कुंडन की शॉप पे होते हैं, काफी अच्छी जो है ये एडिटिंग करते हैं। तो अब हम अपना नाम जो है इन्हीं से लिखवाने वाले हैं, कोई भी स्टिकर आपने बनवाना हो चाहे वो सारे काम कर देते हैं। तो अब हम अपना नाम लिखवा देते हैं पहले भैया से, तो उसके बाद आपको मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे जब हम नाम लिखवा देंगे। यहाँ पे देखिए ये Z800 है, तो इसका एग्जॉस्ट देखिए, भैया करना जरा एक बार, काफी फालतू एग्जॉस्ट है इसका। तो गाइज अब हम जा रहे हैं सीधा रिहाड़ी शोरूम में, क्योंकि वहाँ पे बाइक की लॉन्चिंग है आज। तो चलो मिलते हैं आपको शोरूम में। इसमें कुछ कैटेगरी फर्स्ट हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे।
एग्जॉस्टिक टेक्नोलॉजी, नाइट्रॉक सस्पेंशन, फोर स्ट्रोक ऑल टूल इंजन है इसमें, जो कि 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एंड उसी के साथ साथ 24.5 पीएस ऑफ हॉर्स पावर जनरेट करता है। असिस्टेंट स्लिपर क्लच, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। गाइस तो अभी हम जो है बजाज शोरूम रिहाड़ी में है, तो आज यहाँ पे जो है ये इन दो बाइक्स की लॉन्चिंग हुई है, एक का नाम F250 और दूसरी का N250। तो जो ये वाली लगी हुई है ये N250 है और यहाँ पे जो जिसको ये देखिए ये वाली जो है ये F250। तो आप इस बाइक को ध्यान से देख लें, ये फिलहाल इसको लोगों ने सोचा था यह RS का अपग्रेड वर्जन होगा, इसका RS के साथ कोई लेना देना नहीं है और इसका भी RS के साथ कोई लेना देना नहीं है। गाइस इस पे जो ये डिस्प्ले लगा हुआ है ये इन्फिनिटी डिस्प्ले है, ये हमारी जो है ये है N250 नेक्ड बाइक है और इसकी जो है आप फ्रंट से लुक देख सकते हैं। इसमें जो ये है आगे DRLs लगे हुए हैं और इसका ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए ये इसकी लो बीम है, ये लो, हाँ ये हाँ हाँ ये हाई बीम है, चेक कर। और इसकी एग्जॉस्ट की साउंड भी काफ़ी अच्छी है, आप सुन सकते हैं इसके एग्जॉस्ट की साउंड, काफ़ी तगड़ी साउंड है इसकी एग्जॉस्ट की। ये जो सामने है ये हमारी है F250, तो इसमें भी जो है काफ़ी अच्छी लुक में दी हुई है ये भी, और इनका टॉप एंड जो है वो 145 का बता रहे हैं शोरूम वाले। तो बाकी अब जो है हम रोड पे जाके जब इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे तो ही बताएंगे कि इसकी क्या स्पीड है। और ये जो बाइक आती है ये फाइव गियर्स के साथ आ रही है, जो इससे पहले RS आती थी वो 6 गियर्स आती थी। और इसमें आपको सबसे खास बात कि यहाँ पे आपको फ़ोन चार्जिंग सॉकेट देख लिए, फ़ोन चार्जिंग सॉकेट भी मिल रहा है इसमें। ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये सबसे अच्छी चीज़ दी है, क्योंकि हमें जो है बाहर से फिट करवानी पड़ती थी जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती थी, उससे जो है बैटरी की भी जो है वारंटी वाइड होती थी। इसमें वैसा कुछ नहीं, आपको कंपनी से जब दे रहे हैं तो आप इसको आराम से फ़ोन चार्ज करें। इसका भी इन्फिनिटी डिस्प्ले है, गियर इंडिकेटर इसमें भी है। तो गाइज इसमें जो हमको ये अलॉयज हैं ये देखिए, ये थोड़े ऐसे ग्रे टाइप में मिल रहे हैं, ना कि प्योर ब्लैक भी नहीं है, थोड़ी प्यूटर ग्रे की तरह है। और इसमें थोड़ी से रेड कलर की ये टेपिंग सी आ रही है, क्योंकि रेड कलर के थोड़े थोड़े मार्क्स हैं। और इसमें भी यही है, और इसका जो दूसरा कलर है वो रेड कलर का है। और ये बाइक जो है ये सिंगल चैनल ABS में आती है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंगल चैनल ABS है इसमें, ये इसमें ABS लगा हुआ है। और आगे इसकी जो है वो 300mm की डिस्क प्लेट है, और जो पिछली वाली है वो ये पीछे वाली ये 230mm की डिस्क प्लेट है। ये देखिए काफ़ी शार्प तरीके की लुक दी हुई है इसकी टेल लाइट को, काफ़ी अच्छी लुक है इसकी। तो गाइज इसमें भी ये LEDs इंडिकेटर आ रहे हैं, जो ऑलरेडी RS में ही आते हैं, हमारे यहाँ पे शोरूम में आके कभी भी अपनी जो है बुकिंग करवा सकते हैं। ये बाइक जो है आपको वन डे में नहीं मिलेगी, आपको पहले आके प्री बुकिंग करानी है इस बाइक की, फिर जाके ये बाइक आपको अवेलेबल रहेगी। तो गाइज हमें यहाँ पे इन्होंने ये गिफ्ट दिया हुआ, ये गिफ्ट में आप चेक कर सकते हैं, ये फ्री सर्विस 1, फिर ये फ्री सर्विस 2, और फिर फ्री सर्विस 3, और उसके बाद फ्री चेन ओवरऑल, फिर उसके बाद है हमारे पास फ्री जनरल चेकअप, और उसके बाद है फ्री टेफ्लॉन कोटिंग। तो इतना कुछ भैया ने हमें यहाँ पे फ्री दिया है। तो गाइज अब हमारी यहाँ पे जो आपने देखी कि सेरेमनी काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई है। तो गाइज अब हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गए हैं, तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।